हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सविता, ग्रीन गार्डन गुजरात से। दोस्तों, जैसे कि हमारे मनुष्य के शरीर में घरेलू उपाय जो होते हैं वो बहुत काम करते हैं, वैसे ही एकदम सेम प्रोसेस हमारे प्लांट का भी होता है। उनके ऊपर भी अगर हम घरेलू उपाय करते हैं तो वो बहुत ही कारगर सिद्ध होते हैं। तो आज मैं आपके साथ में ऐसा ही उपाय शेयर करने वाली हूँ। सबके पास होता है, सब उसको आसानी से यूज कर सकते हैं, आपको कहीं अलग से उसको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हल्दी जो है हमारे खाने में यूज होता है। क्यों यूज होता है? अगर हमको सर्दी हो जाता है, कफ हो जाता है, तब भी हम हल्दी का यूज करते हैं। हमको कोई चोट लग जाती है तब भी हम हल्दी का यूज करते हैं। तो हमारे किचन में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनको हम अपने प्लांट में भी यूज कर सकते हैं। जो हमारे ह्यूमन बॉडी में यूज होते हैं उनको हम प्लांट में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन बॉडी और प्लांट की बॉडी आप जैसा भी समझिए वो सब एक ही तरीके के होते हैं। तो आज मैं हल्दी के जो है आपको बहुत ही कारगर उपाय बताऊंगी, जिनको करने के बाद में आपको कहीं भी कोई भी फंजीसाइड, कोई भी जो है केमिकल, कुछ भी आपको परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी 4 से 5 ऐसे उपाय हल्दी के, बहुत ही कारगर उपाय और बहुत ही अच्छी यूजफुल हैं, जिनको आप प्लांट में आसानी से यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सब मेरे रिपोर्ट किए हुए प्लांट हैं। तो इनमें अगर आपके प्लांट में कोई भी फंगर वगैरह लग जाता है तो फंगर के लिए जो है हल्दी जो होती है, हल्दी बेस्ट एंटी फंगल होती है, क्योंकि हल्दी में बहुत सारे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे जितने भी बैक्टीरिया, खराब बैक्टीरिया होते हैं उनको निकाल देते हैं। आपके अगर प्लांट में कोई भी कीड़ा मकोड़ा लगा हुआ है या कोई भी एफिड का अटैक हुआ है तो आप इसको जो है किस तरीके से यूज कर सकते हैं वो अब मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। सबसे पहला आसान प्रोसेस है, अगर आपके प्लांट में थोड़ा भी एफिड का अटैक होता है, पत्तियां कर्ल हो रही हैं या कोई भी कीड़े मकोड़े खा रहे हैं, तो आप इसको इस तरीके से लीजिए एक चुटकी, और इस तरीके से आपके पास में टाइम की कमी है तो इस तरीके से आप इस पर प्लांट की पत्तियों पर आप डाल दीजिए। और ध्यान रखिए कि जब भी प्लांट की पत्तियों पर आप इस तरीके से स्प्रिंकल करते हैं चुटकी से, तो आप प्लांट को पहले से थोड़ा सा गीला कर लीजिए, इस पर स्प्रे कर दीजिए पानी का, जिससे कि अगर आप ये हल्दी इस पर डालेंगे तो वो इस पर सेट हो जाएगी। जब ये हल्दी सेट हो जाएगी तो वो बहुत ही अच्छा काम करेगी और जो है काफ़ी टाइम तक इसकी लिप्स पर ये हल्दी चिपकी रहेगी। दूसरा प्रोसेस जो है, अगर आप इसको इस तरीके से सूखा हल्दी नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसको स्प्रे भी कर सकते हैं या आप इसको जड़ में भी डाल सकते हैं। तो उसके लिए जो है आप इस तरीके से पानी लें, कोई क्वांटिटी की वो नहीं है कि आप ज़्यादा कम हो जाएगी क्वांटिटी, आप अपने अंदाज से ले सकते हैं। और इस तरीके से पानी में आप जो है थोड़ा हल्दी पाउडर डाल दें, आपको जैसे आपके जितने प्लांट में आपको डालना हो उस तरीके से डालकर, और इसको जो है थोड़ा सा घुमा दें। तो मेरे पास चलाने के लिए कुछ नहीं है तो मैं इससे इस तरीके से चला दूंगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं इस तरीके से इसका पानी रेडी हो चुका है, और इस पानी को जो है हम इसकी जड़ों में देंगे। और इसमें ऐसा नहीं है कि आप जड़ों से दूर दें, आपको जैसी इसकी प्लांट में रिक्वायरमेंट हो उस तरीके से आप इसमें जो है पानी दे सकते हैं। तो ये पानी जो है इसकी जड़ों में जाएगा तो जड़ों में जो है कोई फंगर्स नहीं लगेगा, और प्लांट्स में अधिकतर जो है नीमाटोड्स की प्रॉब्लम होती है वो भी नहीं होगी। तो ये जो है हल्दी के ये उपाय जो है बहुत ही अच्छे होते हैं। उसके बाद में जो है मैं तीसरा उपाय आपको बताती हूँ। जब हम कोई कटिंग लगाते हैं, जैसे कि ये मान लीजिए ये बिंका की कटिंग है, आप रोज की कटिंग, हिबिस्कस की कटिंग, कोई भी कटिंग ले सकते हैं। तो जब हम कटिंग लगाते हैं तो कटिंग लगाने के लिए हम रूटिंग हार्मोन, एलोवेरा जेल ऐसे या फंजीसाइड, इस तरीके की चीज़ों का यूज करते हैं। तो हल्दी जो है सबसे बेस्ट फंजीसाइड होता है। आप जहाँ भी कट करते हैं, जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, कहीं भी कट हो जाता है तो हम जो है हल्दी का पाउडर लगाना, सबसे पहले हमारे पास कोई भी चीज़ नहीं होती है तो घर में जो है घरेलू नुस्खे जो होते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं। तो उसमें जो है हम हल्दी का पाउडर लगाते हैं। वैसे ही अगर हम किसी भी ब्रांच को कट करते हैं तो हमको जो है उसकी जिस जगह कट किया है उसको इस तरीके से हमको डिप करके ऐसे हल्दी लगा देनी है। अगर जो है आपकी रोज की कटिंग है या हिबिस्कस की कटिंग है तो रोज की कटिंग जो होती है उसमें ऊपर से भी कट लगा हुआ होता है, तो उसमें जहां जहां कट हो वहां से आप जो है इनको हल्दी का पाउडर जो है यूज कर सकते हैं। और इस तरीके से लगाने के बाद सिंपल आप जो है इसको मिट्टी में लगा सकते हैं। ये कटिंग जो है आपको लगी हुई मिलेगी, 8-10 दिन में इसके रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस जो है हल्दी का हम यूज और किस तरीके से करते हैं, तो उस
अगर आपको नए पौधे की रिपोर्टिंग के लिए मिट्टी बनानी है तो मिट्टी बनाने के लिए भी आप इसमें जो है फंजीसाइड की जगह, जैसे सांप का फंजीसाइड होता है, ट्राइकोडर्मा होता है, उसकी जगह पर आप जो है हल्दी का यूज कर सकते हैं। हल्दी जो है बहुत ही एंटी फंगल होती है, बहुत ही अच्छी होती है, ऑर्गेनिक होती है और इसके जो है साइड इफेक्ट भी बहुत अच्छे होते हैं। तो इस तरीके से आप मिट्टी में मिला देंगे, पूरी मिट्टी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे तो आपको जो है इससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। या आप चाहते हैं तो आप प्लांट की जो मिट्टी होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरा प्लांट है, तो प्लांट की जो मिट्टी है उसमें भी आप नीचे इस तरीके से स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो उससे भी जब हम वॉटरिंग करेंगे तो इसके माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है हमारे पौधे को मिलेंगे और पौधा जो है हमारा एकदम स्वस्थ हरा भरा हो जाएगा। तो हल्दी जो है बहुत ही अच्छी एक ऑर्गेनिक आप कीटनाशक बोलिए वो है। और उसके बाद में अगर आपको किसी भी प्रकार की पौधे में आपकी कमी होती है, कोई भी कीट लगा है या कोई भी आपको परेशानी हो रही है, आपके प्लांट जो है डेड हो रहे हैं, उनकी रूट्स में जो है कोई कीड़े मकोड़े काटने से जो है कोई भी परेशानी हो रही है, या पत्ती मरोड़ जो रोग होता है वो हो रहा है, तो इस तरीके के उपाय से जो है आप आसानी से अपने पौधों को जो है ठीक कर सकते हैं। तो ये सब उपाय जो है हमारे घरेलू उपाय बहुत ही आसान होते हैं, बहुत ही आसानी से आप इनको कर भी सकते हैं और इनका कोई भी नुकसान हमारे पौधों पर होता भी नहीं है। ये उपाय जो है आप फूलों के प्लांट में, सब्जियों के प्लांट में, सब में आप कर सकते हैं। तो अगर आप अच्छी फ्लावरिंग, अच्छी फ्रूटिंग अपने प्लांट्स में चाहते तो ये हल्दी का उपाय बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आसान है। इसको आप बहुत ही आसानी से बहुत कम समय में अपने गार्डन में यूज कर सकते हैं। बड़े बड़े खेतों में भी इनकी उपयोग होता है। तो इस तरीके बहुत सारी चीज़ों में हल्दी जो है यूज होती है। जैसे हमारी मनुष्य बॉडी में हल्दी का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, वैसे ही जो है प्लांट में भी हल्दी का बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो दोस्तों, किचन के फर्टिलाइजर जो है सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, उनका कोई भी नुकसान नहीं होता है। आपके पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होगी, प्लांट हेल्दी रहेंगे, प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी, प्लांट जो है खूबसूरत दिखाई देंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन के साथ। फिर मिलती हूँ किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।